एवरीवन, सो मैं हूँ रुपेश बुद्ध और हम कंटिन्यू करते हैं हमारी सीक्रेट टेक्निक्स ऑफ मेडिटेशन की सीरीज़, जिसमें मैं लाया हूँ सेकंड टेक्निक ऑफ मेडिटेशन। इसे मैंने सीक्रेट टेक्निक ऑफ मेडिटेशन क्यों कहा है, इसके बारे में प्रॉपर पूरा एक वीडियो बनाया है, वो ऊपर आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उसमें से आप क्लिक करके वो देख सकते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं टेक्निक की तरफ, सेकेंड टेक्निक ऑफ द सीक्रेट टेक्निक्स ऑफ मेडिटेशन। सो मैं हूं आपका इनर हैप्पीनेस गाइड रुपेश बुद्ध। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ही हमारे रियल मोटिवेशंस हैं। तो टेक्निक्स स्टार्ट करते हैं। सेकेंड टेक्निक भी फर्स्ट टेक्निक की तरफ बहुत ही सिंपल है। सीक्रेट टेक्निक्स ऑफ मेडिटेशन में एक चीज़ यह ध्यान रखनी है कि दो टेक्निक, यानी टेक्निक वन और टेक्निक टू, ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। टेक्निक वन इज़ इंडिपेंडेंट, वो अपने हिसाब से चलती है। टेक्निक टू वो इंडिपेंडेंट है, वो भी अपने हिसाब से चलती है। लेकिन हम दोनों टेक्निक आगे भी जब मेडिटेशन सीखेंगे तो टेक्निक्स, किसी ना किसी टेक्निक्स के हम रेफरेंसेस लेते रहेंगे। इसी तरह से ये टेक्निक को एक्सप्लेन करने के लिए भी मैं फर्स्ट टेक्निक का रेफरेंस लूँगा। जैसे कि फर्स्ट टेक्निक में ब्रीथ को हमने पैरेलल लाइंस समझा था कि ब्रीथ ऊपर जा रही है और ब्रीथ बाहर आ रही है, इन दोनों के बीच में जो गैप है वहाँ पर हमें ध्यान करना है, वहाँ पर हमें हमारा फोकस ले जाना है। ठीक है, राइट। लेकिन सेकंड टेक्निक में ये जो गैप है, ब्रीथ इन गैप, ब्रीथ आउट गैप, ये गैप नहीं आएगा। इसमें ब्रीथ को हम सर्कुलर वे में लेंगे। ठीक है, इसमें जो लाइंस है, ब्रीथिंग लाइंस है, पैरेलल लाइंस, दैट इज इन आउट, अब वो पैरेलल नहीं रही है, वो अब सर्कुलर हो गई है, लाइक इन आउट। ठीक है, मैं फिर से हैंड जेस्टर से बता देता हूँ। इट्स इन देन आउट, राइट। हमें ब्रीथ को एक सर्कुलर इमेजिन करना है, एक साइकिल इमेजिन करना है। मैं ब्रीथिंग लेके बताता हूँ कैसे करते हैं। ब्रीथ इन आउट, इन इसमें हमारा जो मेन फोकस है वो ब्रीथिंग पे रहेगा, ना ही के ब्रीथिंग के गैप पे। तो हम जो सांस अंदर ले रहे हैं तो वो पूरी सांस हमें महसूस करनी है कि सांस हमारे अंदर आ रही है, हमारे अंदर उतर रही है और फिर धीरे धीरे बाहर जा रही है। ये जो पूरा प्रोसेस है वो एक सर्कल क्रिएट करेगा, होल सर्कल। दिस इज इन आउट, इन आउट, राइट। इस तरह से हमें हमारी ब्रीथिंग एक सर्कुलर फॉर्म में इमेजिन करनी है, इन एंड आउट, और हमारा पूरा फोकस ब्रीथिंग की मूवमेंट में रहना चाहिए। अगेन मैं फिर से याद दिला देता हूँ, ब्रीथिंग यानी योगिक ब्रीथिंग। जिसने भी योगिक ब्रीथिंग का मेरा वीडियो नहीं देखा है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उसमें से क्लिक करके, या ऊपर आई बटन में लिंक दी है उसमें क्लिक करके आप देख सकते हैं। अब ये मेडिटेशन का एक बहुत ही बेहतरीन एडवांटेज है। ये ब्रीथिंग, आप जो कंटिन्यूस फ्लो में ब्रीथिंग को जब ऑब्जर्व करते हो, इन एंड आउट, इन एंड आउट, ये आपको एक ऑटो रिलैक्सेशन स्टेज में लेके जाता है। धीरे धीरे आप जितना ज़्यादा इसमें उतरते जाएंगे तो आपकी सांसें लंबी और गहरी होती जाएगी, राइट। और हमारा मन हमारी सांसों से एकदम परफेक्टली जुड़ा हुआ है। जब भी हमें गुस्सा आता है हमारी सांसें फास्ट हो जाती है, डर लगता है तो सांसें जैसे अंदर रुक जाती है, आह डर अंदर लॉक हो जाती है। लेकिन जब हमारा मन शांत होता है, लाइक हम किसी बहुत ही सुंदर बीच पे आ गए, तो हमारा मन वाह, राइट, अंदर जाके वो निकल जाता है, खुल जाता है। ठीक है, उसी तरह से जब हम ये ब्रीथिंग टेक्निक फॉलो करते हैं, इन आउट, एक सर्कुलर वे में, धीरे धीरे हमारी ब्रीथिंग लंबी होती जाएगी, इन आउट, इन आउट, और हमारा मन उतना शांत रिलैक्स होता जाएगा। जितना मन शांत होगा उतनी ही हमारी इनर लर्निंग एबिलिटी, हमारी इनर कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, राइट। सो इस
टेक्निक को आप कभी भी फॉलो कर सकते हो। बस ध्यान रखें कि पेट भरा हुआ ना हो, क्योंकि ये ब्रीथिंग टेक्निक है और ब्रीथिंग टेक्निक में हमें सांस जो है वो अंदर की साइड लेनी है, राइट पेट में। तो अगर पेट भरा होगा तो उस पर थोड़ा प्रेशर आएगा एंड दैट इज़ नॉट गुड। सो पेट खाली हो, खाली पेट करें, ठीक है। ऑफिस से या अपने काम से कंप्लीट हो, ऑफिस से या अपने काम से घर आने के टाइम पे ओनली 5 मिनट्स अगर आप अपने आप को देते हैं और ये ब्रीथिंग करते हैं, तो आई एम श्योर आपका जो थकान है, जो पूरे दिन का जो स्ट्रेस है, वो कम हो जाएगा और आप अपने फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर पाएंगे, ठीक है। सो एक बार टेक्निक रिवाइज कर लेते हैं। टेक्निक बहुत ही सिंपल है। इस टेक्निक में ब्रीथ को हमें दो पैरेलल लाइन नहीं समझना है, इन आउट उस तरह से नहीं, ब्रीथ को एक सर्कुलर वे में लेना है, डेट इज़ इन एंड आउट, इन एंड आउट, एक साइकिल जैसे चलती ही रहेगी, चलती ही रहेगी एंडलेसली। सो इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, और ख़ास करके जब आप स्ट्रेस्ड आउट हो, आप ब्लॉक्ड हो, दिमाग में कुछ रास्ते नहीं सूझ रहे हो, उस वक्त इस ब्रीथिंग को ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। और आपको क्या रिज़ल्ट आता है मुझे कमेंट में लिख के बताइए। और इस टेक्निक को करते हुए कोई भी डाउट्स है या कोई क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए, तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं आपके हर क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करूँगा। सो हमारे साथ बने रहिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत जल्द मैं लाऊँगा टेक्निक नंबर 3। थैंक यू।